नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम नंबर वन हरियाणा, जहां हम आपको बताएंगे हरियाणा की योजनाओं की जमीनी हकीकत, कैसे हरियाणा सरकार ने जो वादे किए उन्हें पूरा किया। तो आज हम बात करेंगे मुफ्त कोरोना वैक्सीनेशन की। ये तो आप सभी जानते हैं कि कोरोना ने कैसे दुनिया भर को अपनी चपेट में ले लिया, जिसको मात देने सिर्फ वैक्सीन ही एकमात्र हथियार कारगर साबित हुई थी। बल्कि अच्छी बात तो यह है कि वैक्सीन का जो एक रिसर्च जो है, जो अपने देश में हो रहा था, उसी के ऊपर आधारित होकर के ये प्रोग्राम आगे बढ़ा है। और उस वैक्सीन के दो प्रकार की वैक्सीन हमने उसकी जो मंजूरी मिली है उसके आधार पर अब इतनी बड़ी संख्या में भी नहीं बन पाएगी कि सारी दुनिया सारे देश को एक साथ दी जा सके। उसके लिए फेजेज बनाए हैं। सबसे पहला फेज में रखा है कि जो हमारे वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइनर्स, कोविड वॉरियर्स जिनको कहा है, हमारे यहाँ प्रदेश में लगभग 1.5 लाख वर्कर है वो। चीन के वुहान से फैले कोरोना ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। धीरे धीरे करके मौत के आंकड़े भी आसमान छूते जा रहे थे। देश भर को उम्मीद थी सिर्फ वैक्सीनेशन की, कब वैक्सीन लगनी शुरू हो जिससे लोग अपनी जान बचा पाए। आखिरकार देश भर में अब ज्यादातर लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है, लेकिन इसके बावजूद भी कई राज्यों में वैक्सीन की कमी होने लगी। लेकिन इन सब के बावजूद प्रदेश सरकार ने हरियाणा के लोगों तक वैक्सीन पहुंचाई। दुनिया भर में त्राही त्राही करने वाले कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीनेशन ही एकमात्र कारगर हथियार है। ऐसे में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद ये दावा किया था कि राज्य में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होने देंगे, साथ ही हरियाणा राज्य के सभी वासियों को वैक्सीन भी लगाई जाएगी। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि हरियाणा सरकार ये सुनिश्चित कर कि लोगों को कोरोना वायरस महामारी के बीच किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। कोरोना महामारी से बचाव के लिए वैक्सीन का रोल बहुत महत्वपूर्ण रहा है। जिन्होंने वैक्सीन लगाई या तो उनको कोरोना हुआ नहीं, या हुआ तो उसकी सीवियरिटी बहुत कम रही, यानी बहुत कम उसके सिम्टम्स आए। और हमारी स्वदेशी वैक्सीन रही है, जिसमें कि जो उसका फ्री वैक्सीनेशन हुआ है उससे बहुत ज़्यादा लोग लाभान्वित हुए हैं। और भारत जैसे देश जहाँ इतनी विविधताएं हैं, वहाँ पे ये दूर दूर तक आसानी से पहुँच सकी। हरियाणा में भी करोड़ों से ऊपर लोगों ने वैक्सीनेशन लिया है और अभी भी कंटिन्यूस वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है। तो निश्चित रूप से इससे हर व्यक्ति लाभान्वित हो रहा है। और अंततः जब वैक्सीनेशन ऑलमोस्ट कम्प्लीशन होगा तो हम जो ये कोरोना के विरुद्ध हमारा युद्ध है वो जीत जाएंगे। और इसमें सरकार का प्रयास बहुत ही उल्लेखनीय है। और स्पेशली जो हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी है, हमारा जो भी पैरामेडिकल स्टाफ है, उन्होंने इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इसके बहुत ही अच्छे अब आउटकम्स आ रहे हैं और आगे भी काफ़ी अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कोरोना वायरस के आने के बाद से ही हालात का जायजा लेने के लिए आए दिन पालक, रोहतक, हिसार और फरीदाबाद जैसे जिलों का दौरा करने निकल जाते थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को कोरोना को हराने का स्वयं मंत्र दिया था कि सावधानी से ही कोरोना को हराया जा सकता है। कोरोना से हारना नहीं बल्कि उसे हराने के लिए सावधानियां बरतनी होंगी। अनिवार्य रूप से मास्क पहनना होगा, तो वहीं शारीरिक दूरी बनाए रखने के साथ सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ से भी बचना होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने का आह्वान भी किया। इसलिए इसके जो हमारे फायदे होंगे ये होगा कि हमारी काफ़ी जनता को जो बीमारी से लड़ने की ताकत है वो मिल चुकी है। एक तरह से अगर हम इसको देखा जाए, इंटरप्रेट करेंगे, अपना पूर्ण टीकाकरण करवाएं, क्योंकि दोनों ही डोज लगना अति आवश्यक है एंटीबॉडीज बनने के लिए। अगर आप ये सोचें कि मैंने एक डोज लगवा ली तो एंटीबॉडीज बन जाएंगी, तो आपको पूर्ण सुरक्षा नहीं मिलेगी बीमारी से। पूरे हरियाणा का जो फिगर है वो तो है कि 76% लोगों में आई है, पर कुरुक्षेत्र इज ऑन द टॉप एक तरह से मैक्सिमम लोगों में आया है। तो
ये इसका हम फायदा यही उठाएंगे कि इसको मेंटेन करके तभी रखें ऐसे, हम ये ना हो जाए कि हमारे लोगों में एंटीबॉडीज है तो हम तो लड़ाई के लिए तैयार हैं बीमारी से, तो निश्चिंत ना हो, तो अपनी जो हमारे एहतियात है वो हमने बरतने हैं वैसे ही, और शीघ्र अतिशीघ्र अपनी पूरी जनता का वैक्सीनेशन करवाना है और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना है। मैंने टीका लगवाया हुआ है और मैं सभी को यही कहूंगी कि आप भी टीका लगवाएं, कोरोना का टीका बहुत सेफ है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम भी सेफ हैं, आप भी सेफ रहो, आज जितना आप जल्दी टीका लगवाएंगे आप भी सेफ रहोगे और दूसरों को भी सुरक्षित रखोगे। यहाँ सेंटर जगह जगह सेंटर है, जहाँ नज़दीक आपको सेंटर दिखे आप वहीं लगवा लो। अब तो सभी कैंप लग रहे हैं सब जगह पे और डेली कैंप लग रहे हैं, कोई छुट्टी नहीं है, डेली कैंप लग रहे हैं, संडे भी है, सैटरडे भी है और गस्टेड भी, छुट्टी वाले दिन भी लग रहा है। सर इम्यून सिस्टम में काफ़ी डेवलपमेंट हो गया, जो भी हल्की फुल्की जो प्रॉब्लम रहती थी जॉइंट्स पेन की होगी या अदर जो छोटी मोटी प्रॉब्लम रहती थी वो अब कम हो गई है। नहीं सर, हमें तो जो भी हमारी नज़रों में आए हैं उनके कोई सेट इफेक्ट नहीं मिले, हमें कहीं ना कहीं हमें मिले हैं जिनको सांस की प्रॉब्लम थी वो कह रहे हैं कि हमारे जो इम्यून सिस्टम इम्प्रूव हुआ है और उनकी जो मेडिसिन है वो कम हुई है पहले से। मैंने दोनों डोजें लगवा ली है, सबसे पहले मैंने अपने 1 जनवरी के महीने में लगवाई थी और सेकेंड डोज मैंने मार्च के महीने में दोनों डोज लगवा ली है। इससे बड़ा अच्छा फील होता है और बड़ी अच्छी इम्यूनिटी आती है इसके अंदर, जो हर आदमी से मेरी ये प्रार्थना है जिसका फर्स्ट डोज लग चुकी है वो सेकंड डोज अपनी जरूर से ज़रूर लगवाएं। नहीं नहीं, इसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है, सभी वैज्ञानिकों ने जो हमारे देश के वैज्ञानिक हैं उन्होंने इसके ऊपर बड़ी अच्छे ढंग से रिसर्च करी है और रिसर्च होने के बाद ही ये अच्छे खासे इसके ट्रायल होने के बाद ये आम आदमी को लगने के लिए आई है। सर लगवा चुकी मैं वैक्सीनेशन हो चुका है मेरा, लोगों को जो है मन में डर है कि वैक्सीन लगवाने के बाद में डेथ हो जाती है या कोई इन्फेक्शन हो जाता है, देखो मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मुझे हल्का सा ना तो कोई जुखाम, ना कोई फीवर हुआ, ना कोई हरारत हुई, ना कोई पेन हुआ, तो इसीलिए अच्छा ये सबके लिए बेनिफिट में है। कोरोना से जो डेथ्स हो रही हैं अगर उनसे हमें बचना है तो हमें वैक्सीनेशन करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मेरी सबसे गुजारिश है कि वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएँ। वैसे तो पहले तो काफ़ी लोगों में भरम था इस बात का और काफ़ी लोगों में बहम भी था, लेकिन धीरे धीरे अब जागरूक हो गए हैं। जैसे हम अखबारों में पढ़ते हैं कि 100 करोड़ लोग हमारे देश में वैक्सीन लगवा चुके हैं, तो इसका मतलब है कि लोगों का भरम जो है वो अब ख़त्म होता जा रहा है, उनकी पॉजिटिविटी उनके सामने आ रही है और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगवा भी रहे हैं। फिर भी मैं अपील करूँगा अगर किसी में इस प्रकार का भरम है तो वो उस भरम में ना जा करके वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, और मैंने दोनों वैक्सीन जो है टाइम से लगवा ली थी जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कुछ भी नहीं, बुखार तक भी नहीं हुआ। सर मैंने वैक्सीन लगवाई थी पिछले मंथ, मेरे को कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ कि इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट है या डर है, कुछ भी नहीं हुआ, मेरी पूरी फैमिली ने लगवाई है। और मैं तो यही कहूँगी कि भाई जनता को आगे से आगे बढ़ के कोरोना वैक्सीन लगवानी चाहिए ताकि हमारी गवर्नमेंट को इसमें पूरी सहायता मिले और कोरोना की लड़ाई में हम सब कोरोना पर विजय हों। जिस तेजी से कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ा है उतना ही लोगों में कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए जोश भी बढ़ा है। भले ही सबसे पहले वैक्सीन बुजुर्गों और 50 साल की उम्र से ज्यादा वालों को लगी हो, लेकिन जैसे प्रधानमंत्री द्वारा ये कहा गया कि 18 से 45 साल के लोग भी वैक्सीन लगवा सकते हैं, तो खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने युवाओं को बढ़ चढ़कर वैक्सीन लगवाने के लिए कहा, जिसके बाद से प्रदेश के युवा रोज उत्साह के साथ लंबी लाइन में लगकर टीकाकरण करा रहे हैं। लाइन में युवाओं को देखकर लगता है कि उन्होंने तो कोरोना को मात देने की ठान ली है। युवाओं के उत्साह का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वैक्सीन लगवाने के लिए जैसे ही स्लॉट खुलता है थोड़ी ही देर बाद रजिस्ट्रेशन फुल हो जाता है। युवाओं में एक धारणा और होती है कि हम तो युवा हैं, इम्यूनिटी पावर हमारे अंदर बहुत मजबूत है, वायरस हमारा क्या बिगाड़ेगा। इस गलत फहमी में ना रहें, क्योंकि कहा जाता है कि खतरे को न स्वीकारना ये अपने आप में एक नया खतरा होता है। मन में हमारे बहुत नए नए विचार भी आएंगे, हम चूंकि नवयुवक हैं, लेकिन इन विचारों का उपयोग हम रचनात्मक कामों में लगाएं, हम परिवार के साथ मिलने जुलने में लगाएं, हम घर में रह करके कोरोना से कैसे लड़ना है इसका हमेशा विचार करें।
44 साल की आयु के लोगों के लिए प्रदेश में टीकाकरण शुरू हुआ था। कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़ने लगे, ऐसे में लोगों को वैक्सीन देने का काम भी तेजी से किया जा रहा है। अगर आपने वैक्सीन लगवाई है या लगवाने वाले हैं तो कुछ खास बातों का जरूर ध्यान रखें। तुरंत काम पर ना जाएं। अगर आपने वैक्सीन लगवाई है तो तुरंत काम पर जाने से बचें। वैक्सीन लगवाने के बाद कम से कम 2 से 3 दिनों तक बिल्कुल आराम करें। कुछ लोगों को वैक्सीन के तुरंत बाद तो कुछ लोगों को 24 घंटे बाद साइड इफेक्ट महसूस होते हैं, इसीलिए वैक्सीन लेने के बाद कम से कम 2 दिनों तक अपनी सेहत पर ध्यान दें। भीड़ भाड़ में जाने से बचें। अगर आपने अभी वैक्सीन की पहली डोज ही लगवाई है तो भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। जब तक वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लग जाती तब तक सुरक्षा का पूरा ख्याल रखें। हालांकि वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के बाद भी आपको प्रोटोकॉल का पूरा पालन करना चाहिए। सिगरेट और शराब ना पिए। अगर आप सिगरेट शराब पीते हैं तो वैक्सीन लगवाने के बाद इससे दूरी बना लें। कम से कम 3 दिनों तक बिल्कुल भी आप इन चीजों का सेवन ना करें। इसके अलावा आपको बाहर का तला भुना खाने से भी बचना होगा। डॉक्टर के संपर्क में रहें। अगर आपको पहले से ही कोई एलर्जी की समस्या है तो आपको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। वैक्सीन लगवाने के बाद अपनी सेहत पर नजर रखें। किसी भी तरह की दिक्कत महसूस होने पर डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। बिना मास्क लगाए बाहर ना जाएं। वैक्सीन लगवाने के बाद भी आपको मास्क लगाने की उतनी ही जरूरत है जितनी की वैक्सीन लगवाने से पहले थी। वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के बाद ही शरीर में एंटीबॉडी बनती है, इसीलिए जरा सी भी लापरवाही से आप वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। हाइड्रेटेड रहें। वैक्सीन लगवाने से तुरंत पहले और बाद में खुद को हाइड्रेटेड रखें। अपनी डाइट में खूब सारे फल, सब्जियां और नट्स शामिल करें, इससे शरीर के अंदर मजबूती रहती है। वर्कआउट ना करें। वैक्सीन लगवाने के बाद बाजू में दर्द होना आम बात है, इसलिए अगर आपने वैक्सीन लगवाई है तो कुछ दिनों के लिए वर्कआउट ना करें, वरना आपके हाथ का दर्द और बढ़ सकता है। मैंने दोनों वैक्सीन लगवाई है, मैंने प्लाज्मा भी डोनर किया, और ख़ास तौर पे जो वैक्सीन की बात है, आज जिस प्रकार से पीछे लगातार महामारी रही है तो सबको लगवानी चाहिए जो रह गए हैं, लेकिन काफ़ी हद तक लोगों ने लगवा भी लिया है, लेकिन जो रह गए हैं उनसे भी मैं अपील करूँगा किसी भी तरह के भ्रम में ना आए, किसी भी प्रकार के बहकावे में किसी के कई लोग कई तरह की बातें कर भी देते हैं, लेकिन इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ जी, मुझे 1.5 महीने हो गए वैक्सीन लगवाए। वैक्सीन लगवाने से मतलब शुरू का 1-2 दिन मतलब बाजू में दर्द हुआ, लेकिन उसके बाद कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मतलब वो कई कहते कि हाँ इसे साइड इफेक्ट है, नॉर्मल है, सबको लगवानी भी चाहिए वैक्सीन। दोनों इंजेक्शन लग चुके हैं। हाँ, नहीं, मेरे दोनों डोज में कहीं कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक रहा। हाँ, वो थोड़ा सा ये ऐसा कि खट्टा मीठा खाने से गला थोड़ा सा ख़राब था, तो इसलिए डॉक्टर साहब ने लिखा तो फिर मैंने करवा लिया। उससे पहले मैं 2 बार करवा चुका हूँ, नेगेटिव ही है। हरियाणा में कोरोना वायरस की रफ्तार धीरे धीरे कम होने लगी है। इसका सबसे बड़ा कारण है प्रदेश में चलाया जा रहा कोरोना वैक्सीनेशन अभियान। स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रदेश में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश के कई जिलों में बीते दिनों कोरोना वैक्सीनेशन में तेजी आई है, लोग वैक्सीनेशन प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं? पहले तरीके में आपको कोरोना वैक्सीनेशन के लिए सबसे पहले कोविन गवर्नमेंट इन पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन होने पर आपको वैक्सीन लगने की तारीख, समय और स्थान की जानकारी मिल जाएगी। ऐसे करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले कोविन गवर्नमेंट इन वेबसाइट खोलें।
अपना मोबाइल नंबर डालें और ओटीपी पर क्लिक करें। मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और सत्यापित बटन पर क्लिक करें। अब एक पंजीकरण के लिए अपना पूरा नाम दर्ज करना होगा, लिंग और आयु भी दर्ज करनी होगी। फोटो आईडी प्रूफ के रूप में ड्राइविंग लाइसेंस अथवा आधार कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद रजिस्टर बटन पर क्लिक करें। एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद एक पुष्टि संदेश पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। टीका लगवाने के लिए जाते समय आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद अकाउंट विवरण प्रदर्शित होगा। एक व्यक्ति पहले दर्ज किए गए मोबाइल नंबर से जुड़े चार और लोगों को जोड़ सकता है। पंजीकृत नामों के विवरण के सामने आपको एक्शन नामक एक कॉलम दिखाई देगा। इसके बाद कैलेंडर आइकन दिखाई देगा, उसमें शेड्यूल करने के लिए उस पर क्लिक करें। स्थान के आधार पर टीकाकरण केंद्रों की एक सूची में से किसी एक को चुन सकते हैं और फिर इन केंद्रों पर उपलब्ध टीकाकरण तिथियों को देख सकते हैं। अंत में एक अपॉइंटमेंट सक्सेसफुल पेज सभी विवरण दिखाएगा, जिसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। जबकि दूसरा तरीका है, पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले व्यक्ति नजदीकी कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराकर टीका लगवा सकते हैं। कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर रजिस्ट्रेशन के लिए पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड साथ ले जाना होगा। इसके अलावा पासपोर्ट, राशन कार्ड या फिर बैंक की पासबुक को भी पहचान पत्र के तौर पर पेश कर सकते हैं। एक ही दिन में करोड़ों वैक्सीन डोज लगाने के लिए डिजिटल सपोर्ट दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, सेवा परमो धर्मः, सेवा परमो धर्मः को जीने वाला भारत सीमित संसाधनों के बावजूद भी वैक्सीनेशन डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में जी जान से जुटा। पहला चैलेंज इसके अंदर ये था कि ऑक्सीजन हमको उपलब्ध हो, उसका कोटा कैसे बढ़े। आसपास जहाँ से हमको मिल रही थी, जिसमें पानीपत है, रुड़की है, देहरादून है, बद्दी से भी कुछ दिन हमको ऑक्सीजन मिली, भिवाड़ी से हमको ऑक्सीजन मिली, लेकिन जब ये ऑक्सीजन कम पड़ने लगी तो नॉर्थ ईस्ट से, खास करके उड़ीसा प्रांत से हमको जो स्टील प्लांट्स जितने हैं वहां से ऑक्सीजन की उपलब्धि हुई, ताकि 70 मीट्रिक टन वहां से प्रतिदिन का कोटा हमको मंजूर हुआ है। पहला चैलेंज कोटा मंजूर कराने का था। दूसरा चैलेंज दूरस्थ स्थानों से ट्रांसपोर्ट के माध्यम से इस ऑक्सीजन को लाने का था। उनके लिए हमने 20 टैंकर प्राप्त कर लिए हैं, जिनको ट्रेन के द्वारा वहां से लाया जाता है और खाली टैंकर यहां से हवाई जहाज के द्वारा हम प्रतिदिन भेजते हैं, और ये अपने आप में अभी भी आवश्यकता और हमारी टैंकर्स की है, बनी हुई है। हमें 20,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन इसकी मांग केंद्र से की है, लेकिन अभी तक 12,700 रेमडेसिविर इंजेक्शन ही हमको मिले हैं। इसी प्रकार जो टोसिली जो इंजेक्शन है, ये भी हमको 160 और ये मिले हैं, जिसमें से 80 इंजेक्शन तो हमने प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए और 80 सरकारी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको दिए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा के लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराने में जी जान से लगे थे। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने खुद ट्वीट कर कहा था कि मेगा टीकाकरण दिवस पर हरियाणा में 6,27,136 लोगों का कोविड टीकाकरण किया गया। अकेले गुरुग्राम में 1,00,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया, जिसके बाद सरकार ने इसके लिए हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की टीम का आभार जताया। आपका नाम? मेरा नाम तान्या है और मैं पंचकुला सेक्टर 2 से आई हूँ। आपको पहली डोज लग चुकी है या आज लगी है?
नहीं सर, ये मेरी दूसरी डोज है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, नॉर्मल रहती हूँ। मतलब जस्ट ये था कि कोविड आया है तो ऑब्वियसली सबको वैक्सीनेट हो रहा है। पहली डोज जब लगी नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं, बस हल्का सा, नहीं हल्का कुछ भी नहीं, कुछ भी परहेज नहीं किया मैंने। अभी आपको दूसरी लगी आज जी, तो अब पेन हो रहा है या नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं, अभी कुछ भी नहीं हुआ है मुझे, जस्ट अभी लगवाई है मैंने और उन्होंने बोला रिलैक्स रहो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, जस्ट अपना PCM आप खा सकते हैं वन डोज। सर आपका नाम? AK शर्मा। शर्मा जी कहाँ से हो? पंचकुला सेक्टर 11। शर्मा जी आपको आज दूसरी डोज लगी है? जी। पहले में जब लगी थी आपको कोई दिक्कत परेशानी, बॉडी पेन या बुखार? नहीं बुखार रहता नहीं, हल्का सा थोड़ा सा फील हुआ था थोड़ी देर के लिए। मेडिसिन ली थी? नहीं कोई नहीं, कोई मेडिसिन नहीं जी। नहीं अभी आपको दूसरी लगी है? जी। पेन हो रहा है आपको? नहीं कुछ नहीं, नहीं हो रहा? नहीं। पहली डोज थी या सेकंड? सेकंड थी जी। पहली डोज में आपको कोई दिक्कत हुई थी? थोड़ा सा कराहट जो हुआ था जी। बुखार हुआ था? नहीं बस बाजू दर्द में थोड़ा सा हुआ था बाजू। मेडिसिन ली थी आपने? हाँ जी। उससे फर्क? हाँ जी पड़ गया था। अब जब धीरे धीरे कोरोना के मामले देश भर में कम हो रहे हैं, उसके बाद भी हरियाणा सरकार कोई भी ढील नहीं छोड़ना चाहती। प्रदेश सरकार ने राज्य में फिर से यहां सीरो सर्वे आरंभ कर दिया। सरकार ने सीरो सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर कोरोना से बचाव के इंतजामों को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार लोगों को कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन का सुरक्षा कवच प्रदान करेगी। तीसरे सीरो सर्वे की शुरुआत में सरकार ने आह्वान किया था कि इस बार त्योहार अपने घर पर ही मनाएं। त्योहारों में तीसरी लहर के फैलने की आशंका रहेगी। सीरो सर्वे हम करवाने जा रहे हैं, इससे हमें पता लगता है कि कितने प्रतिशत हरियाणा की जनता में एंटीबॉडी बन चुकी है, चाहे वो वैक्सीनेशन के कारण बनी हो, चाहे कोरोना संक्रमण के कारण बनी हो, उसका हमें अंदाजा लगता है। और भविष्य में हमने वैक्सीनेशन की क्या प्लानिंग करनी है, किन क्षेत्रों में, किन वर्गों में ज्यादा जोर देना है, वो प्लान करने में हमें मदद मिलती है। और इस बार का जो सीरो सर्वे है, ये 6 साल से ऊपर के बच्चों का भी किया जाएगा, ताकि उनमें कितनी एंटीबॉडी है उसका भी अंदाजा लगाया जा सके। और जो कहा जा रहा है कि कोई तीसरी लहर आएगी, उसके लिए भी हम प्रॉपर प्लानिंग कर सकें। इस बार सीरो सर्वे की खास बात यह है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन लगने के बाद किस व्यक्ति में कितनी एंटीबॉडी बनी इसका पता चल जाएगा। सरकार के अनुसार सीरो सर्वे में 6 साल और इससे ऊपर के बच्चों को भी कवर किया जाएगा। अगर आपने या आपके किसी जानने वाले ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है तो सरकार के मुफ्त वैक्सीन कार्यक्रम के साथ जुड़कर जल्द से जल्द वैक्सीनेशन लगवाएं और कोरोना से अपने आप को बचाएं। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।